दो सवाल है विजय जी आपसे। एक तो कि जो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट देखी गई थी पिछले बार, तो वो उसका पैटर्न क्या रहेगा? और अगर आज मतदान प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि बार बार हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पिछली बार 60 से ऊपर मतदान हुआ था, 60% से ऊपर पूर्णिया सीट पर, तो आज क्या अनुमान है? और अगर घटेगा बढ़ेगा तो क्या है इसका पूरा समीकरण? देखिए, हम लोग जो ग्राउंड लेवल पर अगर जाते हैं और बिहार की पॉलिटिक्स जो पोलराइज्ड है, अमूमन ये माना जाता है कि फॉरवर्ड कास्ट जो है, क्योंकि राजनीति ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बंटी हुई है, तो फॉरवर्ड कास्ट की महिलाएं और बहुत सारे लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन पोलिंग बूथ पर नहीं जाते हैं। तो पोलिंग बूथ, अगर पोल परसेंटेज, जैसे औरंगाबाद से रिपोर्ट्स है या और जगह से रिपोर्ट है, अगर ये लोग बूथ पर नहीं जाएंगे और बैकवर्ड कास्ट पर अगर महागठबंधन का ज़्यादा पकड़ है तो फेवर जाएगा महागठबंधन का। इसमें जो बहुत पुराने ज़माने से भी जो एक ट्रेंड है, अब इसमें यह भी फैसला होगा कि मोदी जी जो कहते हैं कि हमारा बैकवर्ड कास्ट है, लालू प्रसाद जी कहते हैं हमारा है, तो इसका भी एक फैसला बिहार की राजनीति में आगे के दौर पर भी चल के प्रभावित करेगा कि हाँ, उन वोटर्स पर किसका प्रभाव है। जो जातीय जनगणना हुई है, दोनों ही पक्ष अपने फेवर में सभी चीज़ों को ले आने का प्रयास कर रहा है, और ये आगे के बिहार के विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जिस तरह से जातीय जनगणना हुई है, अब इधर एनडीए गठबंधन उस चीज़ को अभी तक भुनाने में सफल नहीं हुआ कि मुसलमान जो सर्वाधिक जनसंख्या में बिहार में हैं, उनको महागठबंधन ने कितना टिकट दिया। लालू प्रसाद जी ने कुइरी जाति के लोगों को ज़्यादा सीट देकर एनडीए के वोट बैंक में एक सेंधमारी का प्रयास किया है, जो अभी तक वो सफल नज़र आ रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट है। तो जो चीज़ को नैरेटिव बनाना चाहिए था एनडीए को, अभी तक वो लोग उसको उतने मजबूती के साथ नैरेटिव नहीं बना पाए हैं बिहार में। जिन बातों पर वो जा रहे हैं, वो बातें हमेशा से कही जा रही हैं बिहार में। तो जातीय जनगणना के बाद का ये पहला चुनाव है बिहार का, और हमारा तो शुरू से मानना था कि जातीय जनगणना नीतीश जी के फेवर का चीज़ था, क्योंकि नीतीश जी ने ये इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया कि ईबीसी के नेता वो हैं। जब उन पर ये दबाव बनता था कि लालू यादव जादों के नेता हैं, मुसलमान का कम्बिनेशन, तो जादों मुसलमान जोड़ कर भी ईबीसी से कम है, तो अति पिछड़ा का नेता कौन है बिहार में? या नीतीश कुमार ने अपने जाति के आधार पर राजनीति नहीं किया, वो ईबीसी कम्बिनेशन को उन्होंने जिस तरह से साधा बिहार में, वो उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। और ये जातीय जनगणना, मेरा मानना, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना हो सकता है, कि इसे नीतीश जी ने इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया कि बिहार के जातीय गठबंधन में सबसे बड़े ग्रुप के नेता वो हैं, और इसीलिए उसी के बाद ही नीतीश जी और आरजेडी से अलग हुए हैं। तो ये इस्टेब्लिश करना था। प्लस मुसलमान वोट में उनका एक परसेंटेज हमेशा रहा है, भले मुसलमान लोग भाजपा को कितना वोट दे ना दे अलग बात है, लेकिन नीतीश जी ने उस वोट बैंक में अपनी सेंधमारी कुछ ना कुछ जरूर की है। बिल्कुल, इसीलिए इसके बाद होने वाले चुनाव में, अब कटिहार है तो कटिहार में तो आमने सामने की लड़ाई है, किशनगंज में भी आमने सामने की लड़ाई है, एडवांटेज महागठबंधन है। अब बांका लोकसभा में देखिए, बांका लोकसभा जहाँ से दिग्विजय बाबू जीता करते थे, आज दोनों ही पक्ष में एक ही जाति के उम्मीदवार हैं। अब शेष लोगों को कौन अपने पक्ष में ले जाता है, ये बहुत डिपेंड करेगा। बिल्कुल, और विजय जी देखिए, आप तो चुनाव विश्लेषक हैं, ऐसे में मेरा एक और सवाल आपसे ये भी है, जिस तरह से आरजेडी जो है एमवाई समीकरण के साथ चलती है, एमवाई फॉर्मूला वहां पर इस्तेमाल होता है, इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इन 5 सीटों पर? देखिए, एमवाई फार्मूला, देखिए, अगर एनडीए को कुछ घाटा कहीं कहीं हुआ है, इन्होंने जिस जाति को टिकट दे के चाहा है, लेकिन लालू यादव के एमवाई समीकरण का सबसे बड़ा टेस्ट अभी पूर्णिया में होगा। मधेपुरा में लालू यादव हारे भी हैं, मधेपुरा जो एरिया जिस यादव लोगों का कहा जाता है, वहाँ लालू यादव हारे भी हैं, और वहाँ का उनका समर्थन का आधार उतना ब्रॉड नहीं है, मुसलमान लोग ही उनको उनकी नैया पार करवाते हैं। लेकिन एआईएमएम का जो इन डेप्थ हुआ वहाँ पर, और जिस तरह से किशनगंज की सभी सीटों को उन लोगों ने जीता था, बाद में इन लोगों ने
डिफेक्शन करवाया, तो वो एरिया उनके अकेले प्रभाव का नहीं।